नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। प्रमुख टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन जर्मनी ने 28 जून को कार्डानो बेस्ड नॉन फंजिबल टोकन्स की एक सीरीज लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। कंपनी के डिस्कॉर्ड चैनल पर रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि वोडाफोन जर्मनी ने अपनी कम्युनिटी, सस्टेनेबिलिटी और क्रॉस चेन पॉसिबिलिटीज के कारण कार्डानो ब्लॉकचेन को चुना। रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि वोडाफोन के प्लान्स अभी अर्ली स्टेजेस में हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी ने यह तय नहीं किया है कि टोकन की क्या यूटिलिटी और बेनिफिट्स होंगे, लेकिन ध्यान दें कि डिस्कॉर्ड कम्युनिटी के पहले 1000 मेंबर्स को रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ये प्रोजेक्ट फिलहाल वोडाफोन जर्मनी तक ही सीमित है, लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी मेंबर्स को शामिल करने के तरीके तलाश रही है। रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि ऐसी कोई वाइट लिस्ट नहीं होगी जो एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करती हो। रिप्रेजेंटेटिव्स ने पब्लिक को किसी भी एयरड्रॉप प्रोजेक्ट पर क्लिक ना करने की चेतावनी दी, जिसका अर्थ है कि प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी टोकन फ्रॉडुलेंट हो सकता है। वोडाफोन की योजनाओं के बारे में अफवाहें पहले 27 जून को सामने आई, जब कंपनी का ट्विटर अकाउंट इसकी घोषणा की प्रत्याशा से इसके डिस्कॉर्ड सर्वर से जुड़ गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्रेंच फैशन ब्रांड लकोस्ट ने गुरुवार को अपने UNDW3 कम्युनिटी के लिए रिवॉर्ड्स और को-क्रिएशन फीचर्स की शुरुआत करते हुए अपने नॉन फंजिबल टोकन इकोसिस्टम का विस्तार किया। लकोस्ट ने जून 2022 में 11,212 प्रोफाइल पिक्चर्स NFTs का अपनी UNDW3 कलेक्शन जारी की, जो अपनी कम्युनिटी को जेनेसिस पास की पेशकश करता है, क्योंकि रिटेलर ने Web3 एक्सपेंशन की योजना के बारे में सोचा है। NFTs को ओन करने से कम्युनिटी लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज और IRL कम्युनिटी इवेंट्स तक पहुंचने में सक्षम थी। कलेक्शन में हर NFT कीमत 0.08 ETH या उस समय लगभग $95 थी। सितंबर में क्रोकोडाइल थीम्ड PFP होल्डर्स के लिए एयरड्रॉप की गई थी। एक प्रेस रिलीज के अनुसार लकोस्ट Web3 यूनिवर्स का लेटेस्ट एक्सपेंशन जेनेसिस पास होल्डर्स को अपनी NFT को UNDW3 कार्ड में बदलने और क्रिएटिव सेशंस, कॉन्टेस्ट, वीडियो गेम्स और इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशंस तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अपने वॉलेट को एक डेडिकेटेड साइट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। प्लेटफॉर्म साइट पर एक्टिविटी के लिए होल्डर्स को उन पॉइंट से रिवॉर्ड्स भी करेगा जो उन्हें लीडर बोर्ड पर स्पॉट दिला सकते हैं, जो उनकी NFT में रेयरिटी ऐड करता है। लकोस्ट के डेप्यूटी CEO कैथरीन स्प्लिंडर ने एक स्टेटमेंट में कहा कि लेटेस्ट रिलीज लकोस्ट के लॉन्ग टर्म Web3 विजन का हिस्सा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। चाइना के सबसे बड़े शहर और देश की फाइनेंशियल कैपिटल शंघाई ने बुधवार को 2025 के अंत तक 50 बिलियन युआन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करने वाले इंडस्ट्री में अपनी कल्चर और टूरिज्म मेटावर्स प्रोजेक्ट्स को विकसित करने की योजना जारी की। शंघाई, जिसकी आबादी लगभग 29 मिलियन लोगों की है, जिसका लक्ष्य 2025 के अंत तक 30 कल्चर और टूरिज्म मेटावर्स प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना है। शहर के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर और टूरिज्म द्वारा प्लान किया गया है कि वो इसे स्मार्ट टूरिज्म के साथ साथ वर्चुअल परफॉर्मेंसेज, डिजिटल आर्टवर्क और अन्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट में शहर के रियल वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में मेटावर्स टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करना शामिल है, ताकि विजिटर्स ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से साइटों के साथ बातचीत कर सकें, टूरिस्ट गाइड्स के रूप में एवटार ले सकें और अन्य मेटावर्स बेस्ड सर्विसेज प्राप्त भी कर सकें। शंघाई ब्लॉकचेन पर डिजिटल आर्टवर्क्स के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वीडियो गेम जैसे प्लेटफॉर्म्स में डिजिटल आर्टवर्क के इंटीग्रेशन का पता लगाएगा और वर्चुअल आइडल सहित मेटावर्स एंटरटेनमेंट बिजनेसेस का समर्थन भी करेगा। शहर की योजना में मेटावर्स डेवलपमेंट के लिए प्रमुख टेक्नोलॉजीज में ब्लॉकचेन, एक्सटेंडेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लिस्ट किया गया है। इसमें ऑनचेन डिजिटल आर्टवर्क्स की इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार के लिए एक कंसोर्शियम ब्लॉकचेन इकोसिस्टम और स्टैंडर्ड बनाने का एक प्रोजेक्ट भी शामिल है। ओवर टू यू रोशनी। IIT खड़गपुर ने भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम विकसित की है, जो उन्नत सुरक्षा उपायों से सुसज्जित है। डेटा लॉगर, जिसे रोलिंग स्टॉक का ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, इसको नई सिस्टम में जोड़ा गया है। ये डेवलपमेंट रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के अनुरोध के अनुसार हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के रिसर्चर्स एक मजबूत सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो ट्रेन ऑपरेशंस की सेफ्टी, कम्युनिकेशन और कंट्रोल सुनिश्चित करने के लिए एक मैकेनिज्म की सुविधा प्रदान करेगी। प्रोफेसर ऑरोबिंटो रॉड्रिक के अनुसार, ब्लॉकचेन जानकारी रिकॉर्ड करने की एक सिस्टम है जो इनक्रिप्टेड है और इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस तकनीक का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में किया जाता है।
प्रोफेसर रोट्रे ने कहा कि फोकस स्टेशन मास्टर्स, सेक्शन कंट्रोलर्स, सिग्नल इंजीनियर्स और अन्य सभी लॉक के लिए ट्रेन की लाइव मूवमेंट अवेलेबल कराने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि नई सिस्टम डेटा इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी को बढ़ाएगी। ये स्टेक होल्डर्स के बीच सिक्योर डेटा शेयरिंग को सक्षम करेगी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ प्रोसेसेस को ऑटोमेट करेगी और टेम्पर एविडेंट ऑडिट ट्रायल्स बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।